सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, आज जो विशेष वीडियो बना रहे हैं हम, ये उन किसानों के लिए है जिन्होंने अभी गेहूं बोया नहीं है और वो कुछ ही दिनों में या तो गेहूं बोएंगे या हो सकता है और देर में भी जाएंगे और 5 जनवरी तक गेहूं बोएंगे। ऐसे किसान जो हैं वो खेती करते हैं या तो गन्ने की, वो कटाई में लगे होंगे, या वो आलू लगाए होंगे और आलू को आजकल में निकालेंगे, या ऐसे हैं जो सब्जियां करते हैं जैसे कि किसी ने मटर लगाया हो, धनिया लगाया हो, तो वो किसान भी थोड़ा पीछे चले जाते हैं। तो मेरी सबसे विनती है कि आप पिछेती किस्में जो देर से बोई जाती हैं, जिनकी सिफारिश की गई है विभिन्न संस्थानों से, उन्हीं को लगाएं। हालांकि पंजाब के कुछ किसानों ने पिछले साल अगेती टाइमली सोन जो किस्म है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की, उसका नाम है HD3086, उसका लगाया था और लगभग 50-52 मन के आसपास कहीं कहीं उन्होंने पैदावारी ली थी। मगर अगर आप पीछे आ गए हैं और अब आप गेहूं लगाना चाहते हैं 5 जनवरी तक, तो सिफारिश की गई किस्मों में सबसे पहली चाहत में मेरी जो है उसका नाम है HD3271। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI की है, मैं IRI बीच बीच में बोलूँगा। और ये मुझको अच्छी इसलिए लगी है कि पैदावारी तो इसकी अच्छी है ही है, मगर इसका चपाती मेकिंग करेक्टर जो है, इसकी चपाती बनाने की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है। मगर हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे भी थोड़ा आगे चले जाएं हम, तो काफ़ी किसानों की चाहत में कुछ पुरानी किस्म HD2851 भी खूब चलती है। ये हमारे यहाँ टाइमली सोन में भी काफ़ी किसान लगाते हैं और अभी भी इसकी डिमांड बहुत रहती है, तो ये पैदावारी अच्छी देती है। मगर याद रखें HD2851 में टिलर्स की संख्या बहुत कम रहती है, इसलिए टाइमली सोन में भी लोग तो इसका बीज की दर की मात्रा ज़्यादा रखते ही हैं, मगर पीछे आने पे जितनी भी किस्में अभी मैं बोलूँगा या एक दो बोली हैं मैंने, तो उनमें बीज की दर की मात्रा जो है आप औसतन 55 किलो प्रति एकड़ के आसपास ही रखेंगे। तो HD2851 भी IRI न्यू दिल्ली की है। इसके अतिरिक्त आप लगा सकते हैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की PVW 658, एक किस्म पंजाब में बहुत पॉपुलर है, और PVW 590, ये भी मेरी चाहत में है। मगर और अच्छी लगती है मुझको पीछे जाने में जो किस्म, वो किस्म हाल ही में उतारी गई है, उसका नाम है JKW 261। एक किस्म जो है ये रांची स्थित कृषि विश्वविद्यालय झारखंड की है, मगर ये अनुमोदित हुई है हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तराखंड के काशीपुर में इसने काफ़ी अच्छी पैदावारी दिखाई है। आप इसको भी चयनित कर सकते हैं। उन्नत 550, तो पंजाब के जो किसान हैं, जो अभी पीछे हैं, जो लगाएंगे, और कुछ हरियाणा के पार्ट्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, वो PVW 550 को ज़रूर तरजीह देंगे या उसको आगे लाएंगे कि उसका बीज अगर मिलता है तो वो HD2851 या PVW 550 उन्नत जो है उसको लगाएं। साथियों, ये किस्में उतनी पैदावारी तो नहीं देंगी जितनी अगेती किस्में देती हैं, मगर क्योंकि आप एक अतिरिक्त फसल ले रहे हैं तो आपको ये प्रति एकड़ 40 मन से लेके 55 मन तक पैदावारी देने की सामर्थ्य रखती हैं। कहीं कहीं ये ज़्यादा भी हो सकती है, ये आपके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे है कि आप खेती कैसे करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI ने काफ़ी किस्में विकसित की हैं। साथियों, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए IRI की एक किस्म है, उसका नाम है 3059 3059।
ये किस्म जो है ये रोग प्रतिरोधता तो रखती रखती है, इसके अतिरिक्त ये पैदावार भी अच्छी देती है। IRA की एक और किस्म है, उसका नाम है 3118-3118। ये पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए है, तो आप इसकी चेष्टा करेंगे जो हमारे किसान भाई उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से हैं वो इनको लगाएं। ये जो किस्में हैं 3059 और 3118, ये काफ़ी ज़्यादा रोग प्रतिरोधता रखती हैं पीले रतुए के प्रति, तो आप इनको भी प्राथमिकता देंगे। इसके अतिरिक्त आप लगा सकते हैं HD 3298 या HI 1621। ये दोनों किस्में अच्छी हैं और पैदावारी भी इनकी ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जो भैया लोग इंदौर में हैं, मध्य प्रदेश के तरफ हैं, वो HI को लगाएं तो उनसे उनको आर्थिक लाभ होगा। और हम बात को बंद करते हैं एक ख़ास नोट के साथ कि अगर आपको पीछे में अच्छी किस्म लगानी है जिसमें पौष्टिकता भी ज़्यादा हो, तो वो प्रोटीन भी ज़्यादा लिए हुए है, उसमें लोहा या आयरन की मात्रा भी ज़्यादा है, उस गेहूं की किस्म का नाम है 3298-3298। ये भी IRA नई दिल्ली की है। मैं जानता हूँ कि विभिन्न प्रदेशों के जिलों में इन नई किस्मों का या कुछ पुरानी किस्मों का पीछे में आने वाला बीज जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आप कोशिश करें, अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से इन बीजों को प्राप्त कर सकते हैं। और PBW जो पंजाब ब्रेड वीट है जो मैंने बोले हैं, वो आप पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से ले सकते हैं। मेरी एक और बहुत चहेती किस्म रही है, उस पर मैंने कुछ काम किया है और आप YouTube में लिंक देख सकेंगे पीछे। उस किस्म का नाम है DBW 173। ये 7-8 साल पहले आई थी और अभी भी अच्छी है और काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था इसने। ये पीछे में लगाने में काफ़ी अच्छी पैदावारी देती है, तो मैंने आपको काफ़ी ऑप्शंस दे दी हैं, इतनी किस्मों के नाम बता दिए हैं कि अब आप इसमें से अपने जलवायु परिप्रेक्ष्य में जिला की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ठंड बढ़ जाएगी तो आप बीज की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और लगाते समय DAP का एक बैग देना बहुत ज़रूरी है गेहूं के लिए। तो बाकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो आगे आगे खेती करेंगे, पहला पानी देर से देंगे क्योंकि ये पीछे आ रही हैं और नमी काफ़ी लंबी बनी रहेगी, उसमें कब पानी देना है, कब यूरिया देना है, कब और अन्य जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म तत्व देने हैं, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।